गोवर्धन सच्चे दरबार की जय। गोवर्धन महाराज की जय। रहे हैं 12:30, तो हम लोग अभी ढाबे पे रुके हैं, 2 घंटे बाद पहुंच जाएंगे ना, 2 घंटे के बाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी गाइस शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे शुरू हो गई है हमारी पैकिंग, जो कि हम पैकिंग कर रहे हैं। तो हम लोग गाइस कहीं निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। बाकी अभी चलिए पैकिंग वगैरह हमारी हम दोनों की हो गई है गाइस, बस इसे बैग में डालना है। अपने लाला जी की पैकिंग कर लेते हैं, लड्डू गोपाल जी की फटाफट से उनकी भी पैकिंग कर लेते हैं, कपड़ा वगैरह जो भी रखना है। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। गाइस यहाँ पे मैंने अपना कपड़ा रख लिया है, यहाँ पे मैं इसे पहन के जाऊँगी, बाकी पतिदेव का कपड़ा इधर है। तो जितने भी कपड़े हैं गाइस हमने रख लिए हैं, ज़्यादा कुछ तो लेके जा नहीं रहे, बस एक एक कपड़ा, दो दो कपड़ा लेके जा रहे हैं, तो इसी बैग में लेके जाएंगे। चलिए लड्डू गोपाल जी की पहले पैकिंग कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे लाला जी की पैकिंग कर लेते हैं अब हम लोग, और लाला जी को इस टोकरी में लेके जाएंगे, क्योंकि इस टोकरी में हम मथुरा से लेके इन्हें आए थे। तो आज फिर से इसी टोकरी में लाला जी को बिठाते हैं और इन्हें भी अपने साथ हम घुमाने ले जाते हैं, क्योंकि हम तो घूमने जा रहे हैं गाइस, तो अपने लाला जी को भी लेके जाएंगे साथ में। तो गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं और बिल्कुल ही तैयार हैं। ये देखिए पीछे कान्हा जी हैं और हमारा बैग है, तो ज़्यादा कुछ लेकर नहीं जाना है, इसलिए एक ही छोटा सा बैग है वहाँ पर। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि शाम के बज गए हैं 6 और 7 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना है। तो पतिदेव भी बात कर रहे हैं किसी से, यहाँ पे पतिदेव किसी से बात कर रहे हैं। और मौसम इतना मस्त हो रहा है ना, इतना अच्छा हो रहा है, और ऐसे मौसम को छोड़ के हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ले लिया है अपने लाला जी को, ये देखिए टोकरी में लाला जी हमारे बैठे हुए हैं, और अब हम लोग निकलते हैं। तो आ जाओ, क्या देख रहे हो। तो गाइस अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, तो अब निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि बादल भी बहुत ज़्यादा है, कभी भी बूंद आ सकती है। क्या हुआ बाबू, यहाँ पे पतिदेव कुछ कर रहे हैं। कुछ गए हैं जहाँ पे हमें आना था, अब यहाँ से आएगी हमारी बस, उसके बाद हम निकलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग आके खड़े हो चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं, बट बस नहीं आई है, पता नहीं कहीं ट्रैफिक में रह गई है ना बाबू, बस ट्रैफिक में है ना। तो बस आती है उसके बाद तुरंत निकलते हैं। राधे राधे सबको, राधे 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 सबको, राधे राधे। यहाँ पे मिल गया हमें गर्मा गर्म चाय और आलू भुजिया, ये देखिए यहाँ पे पति दे रहे हैं आलू भुजिया। और अभी रात के बज रहे हैं 12:30, तो हम लोग अभी ढाबे पे रुके हैं, 2 घंटे बाद पहुँच जाएंगे ना, 2 घंटे के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया गाइस हमने, बहुत ज़्यादा मस्ती किया। क्या है, तो ये हमारी बस और सभी लोग अपना अपना चाय लेके पी रहे हैं, क्योंकि हमें होटल से चाय भी नहीं लेना पड़ा है ना, जो बस वाले हैं गाइस जो चाय भी दे रहे हैं और नमकीन भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे पतिदेव नमकीन खा रहे हैं और मेरे हाथ में भी है आलू भुजिया, आप लोग भी आइए खा लीजिए। अभी तक हमने ये नहीं बताया यार कि हम जा कहाँ रहे हैं, गलत बात बताना चाहिए ना।
तेरा झूठा प्यार जगत में होते से बोली मैं राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलिए काली कमली वाले की जय। सच्चे दरबार की जय। गोवर्धन महाराज की जय। आपकी यात्रा मंगल हो चुकी है, आप गोवर्धन पहुंच चुके हैं धर्मशाला पे। आप सुनो भैया, पैदल जाने वाले परिक्रमा वाले कौन कौन है हाथ उठाओ, जो पैदल जाने वाले हैं। अगर एक ग्रुप में रहोगे तो फायदा रहेगा, अलग अलग जाओ तो अलग अलग चले जाओ, जिसकी जैसे मर्जी है। मगर एक बात का ध्यान रखना, लेफ्ट की तरफ अगर जैसे टॉयलेट वगैरह जाते हैं। गाइस, हम लोग परिक्रमा करने के लिए निकल चुके हैं पैदल और अब चल रहे हैं। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं। तो गाइस अभी हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है, कुछ दूर हम आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे हमारे लाला जी भी हैं, सबको साथ में ले लो, नहीं फिर गाड़ी छूट जाएगी। भैया पानी ले, भैया वो पानी ले लो, राधे 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 Thank you.
गाइस जब सुबह हो गया है, सुबह के 6:30 बज गए हैं और हमारी परिक्रमा जो है वो पूरी होने वाली है और थोड़ी दूर और रह गया है गोवर्धन पर्वत। और हम लोग 2:00 बजे थे जब से परिक्रमा करना स्टार्ट किए हैं, तो अभी गिरिराज जी का दर्शन वर्शन करके आगे निकल आए हैं हम लोग। वहाँ पर भव्य आरती श्रृंगार सब कुछ देखा है। तो फाइनली गाइस जब हम जाएंगे गोवर्धन पर्वत और हमने बिल्कुल अच्छे से परिक्रमा किया है तो बस पूरा होने वाला है ना। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम और पतिदेव, मतलब हम ही दोनों नहीं, सारे लोग पूरा नंगे पाँव परिक्रमा कर रहे हैं। जितने भी हैं कोई चप्पल पहन के परिक्रमा नहीं करता, बाकी जिसको रिक्शे से करना है वो रिक्शे से भी जा रहा है। राधे 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 राधा कुंड के पास पहुंचने वाले हैं। सभी जी यहाँ की बना देता श्री राधे, जय जय 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 श्री राधे। तो भाई जब हम पहुंच गए राधा कुंड, 10 रुपए 10 रुपए पैसा आके देना, फूल चढ़ा दीपक जला ले, पैसा आके देना 10 रुपए ले भाई, ले लिया ले लिया। तो गाइस ये राधा रानी का कुंड, आई गणी